ज्वालामुखी थाना के अंतर्गत ज्वालामुखी उपमंडल की द्रीन की जुमली पंचायत में शराब ठेके को लेकर नारी शक्ति की एक बार फिर से जीत हुई है। कुछ दिन पहले शराब ठेकेदार द्वारा फिर से ठेके को खोल देने पर महिला प्रधान व महिलाओं ने इसका विरोध किया था, जिस पर ठेकेदार ने हाई कोर्ट के आदेश भी दिखाए थे। लेकिन पंचायत प्रधान सरोज कुमार ने भी हाई कोर्ट से ठेके को बंद करने के आदेश लाकर ठेके को बंद करवा दिया, जिससे दरीन ठेका एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आता दिख रहा है। देर शाम हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए एक्सरसाइज व पुलिस की टीम ने ठेके को बंद करवा दिया। हाई कोर्ट के आदेशानुसार जुमली शराब का ठेका अब बंद कर दिया है। वो 13 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दरीन की जुमली पंचायत में प्रधान सरोज देवी का आरोप है कि शराब ठेकेदार ने उसी बिल्डिंग में दोबारा ठेके की दूसरी दिशा में खोल दिया है, जिसके कि गांव का माहौल खराब हो रहा है। इस मामले को लेकर कई महीनों से विरोध चलता आ रहा था। इस मामले में महिला प्रधान व अन्य महिलाओं पर भी केस दर्ज हो चुके हैं। महिलाएं और गांववासी पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और SDM ज्वालामुखी को ठेका न खोलने के लिए ज्ञापन भी दिया गया था। मामला तनावपूर्ण होते ही SDM व आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से आश्वासन दिया था, इस ठेके को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा और ठेकेदार को भी ठेका नहीं खोलने के आदेश दिए थे। परंतु गत दिन से ठेकेदार द्वारा ठेका फिर से खोल देने पर नारी शक्ति फिर से उग्र हो गई। DSP व थाना प्रभारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जुमली ठेके को आगामी आदेशों तक बंद करवा दिया गया है। जो आगामी फैसला होगा वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की पुष्टि करते हुए DSP तिलकराज ने बताया कि ठेके के ठेकेदार ने हाईकोर्ट के ठेके को खोलने के आदेश लाए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में एक श्रद्धालु के द्वारा 1 किलो 10 ग्राम के 2 सोने के छत्र गुप्त दान के रूप में मां के चरणों में अर्पित किए, जिनकी बाजारों कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। श्रद्धालु के द्वारा 2 छत्र सोने के चढ़ाए गए हैं, उन्हें माता की पिंडियों के ऊपर स्थापित किया गया है। हालांकि पहले माता की पिंडियों के ऊपर चांदी के छत्र थे, जिन्हें हटाकर अब वहाँ पे सोने का छत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालु को इन छत्रों की रसीद भी दी गई है, जबकि मंदिर अधिकारी हुसैन चंद चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि मंदिर न्यास नैना देवी में स्मिस में पर श्रद्धालुओं के द्वारा सोना चांदी माता के चरणों में अर्पित किए जाते हैं और एक श्रद्धालु के द्वारा गुप्त दान के रूप में 1 किलो 10 ग्राम सोने के 2 छत्र चढ़ाए गए हैं, जिन्हें विधिवत रूप से माता की पिंडियों के ऊपर स्थापित किया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आए और माता जी के दर्शन का लाभ भी उठाए। इस मौके पर उन्होंने मंदिर न्यास अधीक्षक रामकृष्ण शर्मा, लंगर इंचार्ज अनिल शर्मा, जीत राम पुनीत भी मौजूद रहे। फोरलेन लोक बॉडी का आमरण अनशन आज 13वें दिन तक प्रवेश कर गया है और सरकार के कान में अभी तक जू नहीं लेंगी। आमरण अनशन पर बैठे राजेश पठानिया व अशोक पठानिया की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पिछली रात प्रशासन द्वारा राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर राजेश पठानिया व अशोक पठानिया ने अपना इलाज करवाने से डॉक्टरों को मना कर दिया। आमरण अनशन के समर्थन में श्याम सिंह तिलकराज व मंगल सिंह अनशन पर बैठ गए। नूरपुर के अस्पताल में नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन अब समर्थकों सहित राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को कुशल क्षेम पूछने पहुंचे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अजय महाजन ने कहा कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उन्होंने सरकार से पुनः अपील करते हुए कहा कि जो लोग अनशन पर बैठे हैं सरकार उनके प्रति संवेदनशील रुपया अपनाते हुए बताए कि क्या 4-लेन योजना बननी है या नहीं। यदि नहीं बननी है तो उनकी मांगों को उचित समाधान निकाला जाए। जिन मांगों को लेकर अनशनकर्ता अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार लोगों की भावना के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हुए स्वीप पत्र जारी करके वास्तविक स्थिति क्या है। वही शिवसेना के पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कालिया अपने समर्थकों सहित अनशन पर बैठे लोगों को अपना समर्थन दिया व सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज 2 बजे तक इनकी मांगों के बारे में जवाब दे, अन्यथा दोपहर 2 बजे के बाद शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी।